This Lallan Top video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5paisa ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। नमस्ते, दी लल्लन टॉप पर मैं सोनाली। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के चार दिन के खेल में सिर्फ 141.1 ओवर के बाद क्रिकेट के जानकार खासे नाराज हैं। केविन पीटरसन से लेकर वीवीएस लक्ष्मण और शेन बॉन्ड तक सभी ने इस बड़े मुकाबले में आई अड़चन की आलोचना की है। इंग्लैंड टीम के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन तो इस मुकाबले के इंग्लैंड में होने से ही निराश है। उन्होंने कहा कि आईसीसी इसके लिए कोई बेहतर वेन्यू तलाश सकता था। पीटरसन ने ट्वीट करके कहा, ये कहते हुए मुझे काफी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्रिकेट के इतने महत्वपूर्ण मैच को यूके में नहीं खेला जाना चाहिए। पीटरसन ने यह भी बता दिया कि इंग्लैंड की जगह इस तरह का बड़ा मुकाबला कहां खेला जा सकता था। उन्होंने कहा, अगर ये मुझ पर हो तो दुबई इस तरह के WTC का मुकाबला होस्ट कर सकता है। वो एक न्यूट्रल वेन्यू है, शानदार स्टेडियम है, गारंटीड वेदर, ट्रेनिंग की बेहतरीन फैसिलिटी और ट्रैवल हब, साथ ही आईसीसी का घर भी स्टेडियम के बगल में ही है। पीटरसन के अलावा वीवीएस लक्ष्मण ने भी आईसीसी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, ये फैंस के लिए निराश करने वाला है। मुझे लगता है कि आईसीसी ने सही नियम तय नहीं किए। हर किसी को एक चैंपियन चाहिए। लक्ष्मण ने आगे ऐड करते हुए कहा, इतना समय होने के बावजूद उन्हें कम से कम 5 दिन में 450 ओवर पूरे कराने चाहिए। आईसीसी से हमारी यही अपेक्षा है। हम सभी खुश हैं कि रिजर्व डे है, लेकिन अगर इसी तरह से बारिश होती रही तो हमें फिर भी ये नहीं पता कि मैच पूरा होगा भी या नहीं। वहीं लक्ष्मण के अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड ने ये कहा कि मैच के ड्रॉ होने के और न्यूजीलैंड के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी एक बेहतर नतीजे के लिए 450 ओवर होने ही चाहिए। उन्होंने कहा, दोनों ही टीम्स जीत के लिए खेल रही हैं। दूसरी चीज ये है कि पिच गेंदबाजों के लिए मददगार है। बारिश ज्यादा समय तक होती है तो इसका मतलब है कि बारिश के बाद अगर न्यूजीलैंड अच्छी बैटिंग करती है तो वो बेहतर पोजीशन में होगी। लेकिन मैं भी वीवीएस से सहमत हूँ कि मैच में 450 ओवर पूरे होने ही चाहिए। टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाजी कोच संजय बांगर बारिश से अलग मैच में भारत के चांस पर बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर भारत न्यूजीलैंड को 160 रनों का लक्ष्य भी दे देता है तो इस विकेट पर उसे हासिल करना आसान नहीं होगा। बीते दिन यानी तीसरे दिन हमने देखा कॉनवे और विलियमसन के ग्लव्स पर कुछ गेंदें आकर लगी। ऐसी चीजें आगे और भी होंगी। मुझे लगता है कि आखिर के 2 दिन काफी भावुक होंगे। पहले दिन का खेल पूरी तरह से बारिश से धुलने के बाद दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी थी। भारत पहले बैटिंग के लिए आया और महज 217 रन पर ऑल आउट हो गया। इसके जवाब में तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम ने 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस मैच के 5वें और 6ठे दिन पूरा मैच देखना जरूर चाहेंगे। मैं हूं सोनाली, आपके साथ देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।